दोनी पोलो गवर्नमेंट कॉलेज कामकी वेस्यांग वहाँ के स्टूडेंट्स लोग सोशल सर्विस करना शुरू कर चुके हैं, नया सेशन शुरू हो चुके हैं और यहाँ जो सोशल सर्विस कर रहे हैं वो NSS के वॉलेंटियर्स हैं, यानी कि नेशनल सर्विस स्कीम के वॉलेंटियर्स हैं, जो कॉलेज के छात्र हैं अरुणाचल प्रदेश वेस्यांग जो आलो जो हेडक्वार्टर है वेस्ट सियांग का, वहाँ से 27 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ DPGC काम की दोनी पोलो महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज, यहाँ उन लोगों का सोशल सर्विस हो रहे हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे। बरसात के मौसम है, मौसम काफ़ी सुहाना है और स्टूडेंट्स लोग काफ़ी यहाँ मेहनत कर रहे हैं और आप देख सकते हैं अपने कॉलेज कैंपस को स्वच्छ भारत अभियान के तहत साफ सुथरा रखने की कोशिश कर रहे हैं। सवेरे 7 बजे से ही लोगों का आना शुरू हुआ और स्टूडेंट्स लोग यहाँ 7 बजे से ही आके काम करना शुरू हो गए हैं और वहाँ उन लोग सवेरे आए हैं स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए सवेरे जागना पड़ता है और डिसिप्लिन होना पड़ता है और यहाँ उन लोग अनुभव को इस्तेमाल करते हुए अपना सुबह का टाइम को यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ बिल्कुल काम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। हर एक क्षेत्र में आप दिखाई देंगे, हर एक कॉर्नर में आपको दिखाई देंगे कि सभी लोग अपने अपने लड़के लड़कियां अपने अपने स्थान पर काम कर रहे हैं और कॉलेज को काफ़ी साफ सुथरा रखने में अभियान जुड़ा हुआ है। और फिर से बता दो, दोनी पोलो गवर्नमेंट कॉलेज कामकी के स्टूडेंट्स हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स और बहुत ही ब्यूटीफुल एंड हैंडसम और स्मार्ट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स रहते हैं हमारे कॉलेज में, दोनी पोलो गवर्नमेंट कॉलेज कामकी। और यहाँ आप देख सकते हैं कितने उल्लास के साथ काम चल रहे हैं। थोड़ा जोर से बोला। आज हम लोग का सोशल सर्विस है जो NSS का जरिया करते हैं, तो आज हम लोग का ये क्लास जो है कल से शुरू होने जा रहे हैं, इसके लिए आज सफा कर रहे हैं। मेरा नाम गुंगे खरबाग है। अच्छा, स्टूडेंट्स लगभग 300 के करीब आए थे NSS के मेंबर्स लोग। बता दूं कि पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स नहीं आए थे, केवल वहाँ के जो NSS मेंबर्स जो वॉलेंटियर्स जो एनरोल किए हैं 300 के आसपास है, उन लोग ही आके यहाँ काम कर रहे हैं सवेरे से और उन लोगों को यहाँ जिम्मेदारी दिया गया कि कॉलेज को साफ सुथरा रखें और यहाँ उन लोग बिल्कुल सुबह से आके काम पे लगा हुआ है। बार वाला तो आप लोग पसंद करते हैं ना, इसलिए
अनुशासन बनाते हुए धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता काम आगे बढ़ता चला आया और ये हमारा बर्ड आई व्यू यानी कि ऊपर का नज़ारा है जो हमारा कॉलेज को दिखाई देते हैं। यहाँ से बिल्कुल ड्रोन की तरह दिखते हैं यहाँ से, और आप देख सकते हैं यहाँ बैक साइड है, ये आगे की ओर और भी खूबसूरत है। और यहाँ हमारे स्टूडेंट्स बिल्कुल काम पे जुड़ा हुआ है, बरसात के मौसम है, हर एक लोग छतरी के नीचे पड़ा हुआ है और कुछ लोग यहाँ बरसात रुकने के बाद फिर काम शुरू हो चुके हैं और बहुत ही मेहनती है लोग और यहाँ काम आगे बढ़ रहे हैं। अंत में पोतो सेशन की बारी आई और अटेंडेंस की बारी आ गई थे और यहाँ सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं और यहाँ पोतो सेशन जो रिकॉर्ड के लिए ऑफिशियल रिकॉर्ड के और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के लिए यहाँ सभी लोग आ चुके हैं। और पोतो सेशन बता दूँ, फर्स्ट सेमिस्टर, थर्ड सेमिस्टर और फिफ्थ सेमिस्टर के लोग तीन हिस्सों में बांटा हुआ है और यहाँ अब इन लोगों का रिफ्रेशमेंट और अटेंडेंस लिए जाएंगे, इसीलिए उन लोग यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, काफ़ी भीड़ जमा हुआ है, तकरीबन 300 के आसपास लोग आए हैं इस काम में लगे रहने के लिए। और आखिरकार रिफ्रेशमेंट भी पहुंच गए हैं, अंत में रिफ्रेशमेंट करने के लिए रुके हुए हैं सभी लोग और कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स और बिस्कुट्स लाया गया है और मिनरल वाटर भी लाए गए हैं, पानी भी लाए गए हैं स्टूडेंट्स के लिए। और यहां सभी लोग रुक चुके हैं और अब अटेंडेंस होंगे और रिफ्रेशमेंट होंगे, अब आगे की ओर देखते हैं क्या होते हैं अंत तक। और ये कॉलेज के एनएसएस के सर दलू मोमू सर यहाँ दिशा निर्देश देते हुए अपना स्टूडेंट्स को और गाइडेंस देते हुए और समझाते हुए, और यहाँ सभी लोग अब रिफ्रेशमेंट ले रहे हैं, अब रेस्ट करने की टाइम है क्योंकि सवेरे से उन लोग काम लगा हुआ है, तकरीबन तीन चार घंटा हो चुके हैं काम किया हुआ, अब सभी लोग यहाँ रिफ्रेशमेंट लेने के लिए रुका हुआ है। और हमारे दलू मोमू सर भी यहाँ सभी का अटेंडेंस अब ले लेंगे और सभी लोग यहाँ रुका हुआ है। चलते चलते अंत में अटेंडेंस की बारी आ गई और यहाँ सभी का अपना नाम लिखेंगे, रोल नंबर सिग्नेचर सभी का होंगे और यहाँ से पता लगेंगे कि कौन आए थे कौन नहीं आए थे, प्रेजेंट एब्सेंट सभी का पता लगेंगे। और चलने से पहले यहाँ सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं
अब जाने की बारी आ गई और हमने भी यहाँ इन लोगों के बीच में आ गए थे यहाँ उन लोगों के अटेंडेंस को देखने के लिए। और बिल्कुल लोग अटेंडेंस के लिए काफ़ी सीरियस थे क्योंकि वहाँ से मार्किंग सिस्टम भी होते हैं। और अपने अपने सेमिस्टर के लिए यहाँ अटेंडेंस ले रहे हैं, फर्स्ट सेमिस्टर, थर्ड सेमिस्टर और फिफ्थ सेमिस्टर। और कुछ लोग तो आए नहीं पर मगर यहाँ बहुत ज़्यादातर लोग आए हैं एनएसएस के वॉलंटियर्स और यहाँ अटेंडेंस को काफ़ी सीरियस ले रहे हैं। और डेली मोमूसा जो एनएसएस के इंचार्ज है वो यहाँ काफ़ी शामिल होते हुए और इस बीच हमें भी रिफ्रेशमेंट का अवसर मिला और हमने भी कोल्ड ड्रिंक्स ले लिया और उन लोगों के अटेंडेंस के बीच मैंने कोल्ड ड्रिंक्स ले लिया। और Thank you.